हेलो दोस्तों, कैसे हो? सुस्कील एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनम सोनी। गाइज, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं पिछले 10 सालों से अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग ले रही हूँ और आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एज वेल एज एक्सपर्ट एंड इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, हमने पिछले कई सेशंस में सीखा कि HTML क्या है, उसके अलग अलग टैग्स क्या है। नाउ वो सारे टैग्स को कंबाइन करके अगर हमें कुछ बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, सो ये हम सीखेंगे आज के सेशन में गाइस। सो टुडे वी विल डू अ प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट अ होम पेज ऑफ गाना.com। सो गाना.com का होम पेज क्रिएट करने से पहले गाइस, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वेबसाइट कि वो वेबसाइट कैसे बना है, उसको कैसे अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड किया है, कहाँ पे हेडर है, कहाँ पे फुटर है, कहाँ पे कंटेंट ऐड किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ गाना.com। तो सबसे पहले हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द गाना.com का होम पेज। यहाँ पे आपको ये हेडिंग्स दिख रहे हैं, फिर आप नीचे देखोगे तो अलग अलग लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स हैं जो लिंक्स से कनेक्टिविटी हो सकती है पेज की, वैसे लिंक्स ऐड किए हुए हैं। उसके नीचे आप देखोगे कि एक स्लाइडर ऐड किया हुआ है जहाँ पे अलग अलग सॉन्ग्स के बैनर्स ऐड किए हुए जो पॉपुलर वाले हैं वो। एंड देन अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग का कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है, न्यू रिलीजेस के कंटेंट है, चॉप टॉप चार्ट के कंटेंट्स हैं, प्लेलिस्ट है, हिंदी सॉन्ग्स पॉपुलर वन, इंग्लिश सॉन्ग पॉपुलर वंस, फोक सॉन्ग्स, भक्ति सॉन्ग्स। तो वैसे अलग 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 सॉन्ग्स के अलग अलग आप यहाँ पे इमेजेस ऐड हुए देख सकते हो, मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज बना के यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि एक फुटर ऐड किया हुआ है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ गाना.com एंड देन वी विल क्रिएट इट। सो लेट मी शो यू। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेन पेज है सबसे ऊपर, सो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड हेडर। हेडर मतलब क्या? हेडर में आप क्या क्या ऐड करोगे? आप मेनू बार का आइकन ऐड कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो, टाइटल ऐड कर सकते हो, सर्च फील्ड ऐड कर सकते हो। फिर अगर आपको मेन मेन ऑप्शंस देने हैं, जैसे कि लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको कुछ ऑप्शंस देने हैं जैसे कि नाइट मोड का ऑप्शन हो गया, लैंग्वेज कन्वर्जन हो गया कि इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उस तरीके की अलग अलग ऑप्शंस आप हेडर में दे सकते हो। अभी हेडर के नीचे आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। नाउ नेविगेशन बार मतलब क्या? जहां से आप पूरी वेबसाइट में नेविगेट कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए जो सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप वेबसाइट पूरी वेबसाइट में नेविगेट कर सकते हो, इसकी वजह से इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। नाउ अगर आप ये देखोगे तो दिस इज बैनर, और वी कैन से दैट अ स्लाइडर। सो स्लाइडर है और उसमें अलग 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 बैनर्स ऐड किए हुए। अगर आपके पास एक ही इमेज है, आपको स्लाइडर नहीं देना है, तो यू कैन प्रोवाइड अ सिंगल बैनर, और इफ यू हैव अ टू थ्री बैनर्स सो यू कैन प्रोवाइड अ टू थ्री बैनर्स इन अ प्रॉपर मार्जिन पैडिंग, अदरवाइज आप फिर उसको स्लाइडर के जैसे दिखा सकते हो। नाउ बॉडी कंटेंट में क्या है? सो अलग अलग सॉन्ग्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, जैसे कि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, सो उसके इमेजेस है, आप ये इमेज पे क्लिक करोगे तो वो गाना प्ले होगा। न्यू रिलीजेस, सो उसका इमेज है, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसके प्लेलिस्ट पे या पर्टिकुलर गाने पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। नाउ ये जो है, ये पूरा कंटेंट आपको अरेंज करना है, जैसे कि आप टेबल ले सकते हो या फिर आप कोई और डिवाइस ले सकते हो, और उसके हिसाब से आपको पूरा ये सेपरेशन मैनेज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग इमेजेस से दिया हुआ है। अगर आपको ज्यादा कंटेंट देना है, जैसे कि आपके पास 15 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है, तो 15 सॉन्ग्स तो एक साथ हम नहीं दिखा सकते, देन एट दैट टाइम फिर हम स्लाइडर यूज करेंगे कि पहले 5 दिखेंगे, फिर रोटेट मीन्स आगे जाएगा, एंड देन यू कैन शो नेक्स्ट 5 सॉन्ग्स। सो उस तरीके से स्लाइडर्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ और देखो, स्टार गैलरीज प्रोवाइड की है, भक्ति सॉन्ग्स ऐड किए हुए हैं, आप पर्टिकुलर अलग अलग प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, 90s के सॉन्ग, 2000s की सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग, उस तरीके से अलग 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 आप कैटेगरीज बना के उसको शो कर सकते हो। नाउ लास्ट में है फुटर। सो फुटर को भी अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड किया है। आप देखो यहाँ पे एक हेडिंग दिख रहा है, टैगलाइन है, जैसे कि बस बजना चाहिए गाना, वो गाना.com की टैगलाइन है। नीचे कुछ एक पैराग्राफ ऐड किया है, उसके नीचे आप देख सकते हो कि फेसबुक ट्विटर का आइकन है,
उसके अलावा आप और भी कनेक्टिंग लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि कनेक्टर्स ऑन इंस्टाग्राम, कनेक्टर्स ऑन लिंक्डइन, जैसे कि अलग अलग आपको जो भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी के यहाँ पे आप शो कर सकते हो। उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग लिंक्स है, ये पॉपुलर मीन्स वी कैन से दैट कि कॉमन लिंक्स, जैसे कि साइट मैप हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फेक हो गया, देन एडवर्टाइज के डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, पार्टनर्स के डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, तो वो भी आप फुटर में ऐड कर सकते हो। उसके बिलो में आप देखोगे कि क्विक लिंक्स प्रोवाइड किए हुए, क्विक एक्सेस लिंक्स। सो क्विक एक्सेस लिंक क्या है, आपको डायरेक्ट पर्टिकुलरली कोई आर्टिस्ट के हिसाब से सॉन्ग्स पे रिडायरेक्ट जाना है, देन आपको कैटेगरीज के हिसाब से जाना है, न्यू रिलीजेस के हिसाब से जाना है, तो आप फूटर में से भी कोई पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे या कोई पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज अवर फूटर पार्ट। सो नाउ ये बनाएंगे कैसे, सो टू बिल्ड दैट वी विल यूज अवर वट एवर द टैग्स विच नो ऑफ HTML। सो वी विल यूज इमेज टैग, वी विल यूज लिंक्स, वी विल यूज टेबल, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, कुछ फॉर्मेटिंग के टैग्स जो है, जैसे कि बोल्ड, इटालिक, स्ट्रॉन्ग, लाइन ब्रेकिंग के टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए जो टैग है वो, फॉर्म के टैग्स जैसे कि इनपुट फील्ड्स हो गए, बटन्स बनाएंगे, मीन्स ये सारे जो टैग्स जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम जिसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उसको ही यूज करके हम ये पर्टिकुलर वेब पेज बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट स्टेप बाय स्टेप। वी विल क्रिएट हेडर, देन नेविगेशन बार, देन बैनर वी विल ऐड, देन वी विल ऐड द बॉडी कंटेंट, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, न्यू रिलीजेस, एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे फुटर। मीन्स बेसिकली वी विल क्रिएट अवर पेज विथ हेडर, नेविगेशन, सम बैनर्स, देन सम कंटेंट, एंड देन लास्ट में वी विल ऐड फुटर। सो लेट्स क्रिएट द सेम, सो लेट्स क्रिएट द होम पेज ऑफ द गाना.com। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम रखा है गाना.com, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नाउ ये होम पेज बनाने के लिए मुझे कुछ बैनर्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ आइकन्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ न्यू रिलीजेस और कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स की इमेजेस की रिक्वायरमेंट थी। सो वो सारे इमेजेस मैंने ऑलरेडी गूगल इमेजेस से डाउनलोड करके रखे हैं, और वो इमेजेस मैंने अलग अलग फोल्डर्स में सेपरेट किए। यहाँ पे आप देख सकते हो, बैनर में मैंने दो बैनर्स ऐड किए हैं, आइकन्स में मैंने कुछ आइकन्स लेके रखे हैं, यूट्यूब का सॉरी फेसबुक का आइकन हो गया, देन ट्विटर का आइकन हो गया, गाना का आइकन हो गया, मीन्स वैसे जितने भी आइकन्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारे आइकन्स मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। न्यू रिलीजेस के कुछ सॉन्ग्स और ट्रेंडिंग के कुछ सॉन्ग्स भी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे, मीन्स सॉन्ग्स के इमेजेस ऐड करके रखे जो स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए। नाउ ये मैंने ऑलरेडी फोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके रखा है। नाउ लेट्स क्रिएट अ फाइल। सो फाइल बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक HTML का फाइल लूंगी, index.html, क्योंकि मुझे होम पेज बनाना है और यूजुअली होम पेज का जो फाइल का नाम रहता है दैट वी शुड गिव एज अ इंडेक्स। सो इंडेक्स नाम दिया मैंने यहाँ पे। नाउ मैं बेसिक कंटेंट ऐड कर लेती हूँ। सो शॉर्टकट है एक्सक्लेमेटरी एंड देन एंटर। सो मेरा बेसिक कंटेंट यहाँ पे एडेड है। यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ कि दिस इज माई गाना.com। ओके, सो नाउ ये गाना.com के होम पेज में मुझे हेडर के कुछ कंटेंट्स ऐड करने हैं, कुछ नेविगेशन चीजें ऐड करनी है, देन बैनर बनाना है, एंड देन कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, एंड देन लास्ट में फुटर। सो नाउ ये कंटेंट जो है हम बनाएंगे हमारे रेगुलर टैग से ही, जैसे कि इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, पैराग्राफ, हेडिंग्स, एवरीथिंग, और इमेज को इंक्लूड करने के लिए इमेज टैग। सो वो सब तो हम यूज करेंगे, बट इसको सेपरेट कैसे करें। सो सेपरेशन के लिए गाइज HTML में हमारे पास कुछ सेपरेशन रिलेटेड टैग्स अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल फ्रॉम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML5। जैसे कि हेडर बनाना है तो हेडर के लिए सेपरेटली हेडर का टैग है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना है जो ज्यादा यूज नहीं होगा तो उसके लिए असाइड टैग है, आपको कोई ऐसा कंटेंट ऐड करना है जिसको एक सेपरेट पार्टीशन के जैसे दिखाना है तो उसके लिए डिवीजन टैग है। सो मैं जैसे जैसे वो टैग्स यूज करती जा रही हूँ आपको बताऊंगी, सो आपको इसमें ज्यादा आइडिया आ जाएगा। सो बेसिकली ये टैग से हम हमारे कंटेंट को सेपरेट करेंगे, दैट्स इट। सो यहाँ पे आप देखो कि मैं एक हेडिंग के लिए एक हेडर टैग यूज कर रही हूं। नाउ ये हेडर में हम गाना.com की वेबसाइट को फॉलो करेंगे और चेक करेंगे उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सो लेट्स कम हियर एंड चेक।
पहले एक बार आइकन है, फिर थोड़ा गैप है, फिर गाने के आइकन है, देन एक गैप है, उसके बाद एक इनपुट फील्ड है, फिर बड़ा गैप है, देन दो बटन्स अवेलेबल है, एंड देन आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि नाइट मोड का आइकन है, इमेज कन्वर्जन सॉरी लैंग्वेज कन्वर्जन का आइकन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉग इन और साइन अप के लिंक्स है. सो लेट्स क्रिएट दैट. तो आप यहाँ पे देखो, मैं बना रही हूँ. सबसे पहले इमेज इंक्लूड करती हूँ. इमेज सोर्स, मैंने सारे इमेजेस को आइकन में रखा है. सो आइकन्स, बार आइकन, मेन्यू बार के लिए बार आइकन. सो बार आइकन मैंने इंक्लूड कर दिया. नाउ ये जो इमेज है ना, वो लिंक है. सो इमेज के ऊपर लिंक बनाने के लिए आई विल यूज एचरेफ. नाउ क्या ओपन करना है, इफ यू डोंट नो देन यू कैन गिव हैश. मीन्स ये इमेज के ऊपर आपने लिंक दिया, बट राइट नाउ यू डोंट नो कि उसके ऊपर क्या पाथ देना है. सो दैट पाथ वी विल डू इट लेटर. सो राइट नाउ मैंने उसको सिर्फ हैश देके स्टॉप कर दिया है. ठीक है. सो मेरा फर्स्ट बार आइकन ऐड हो गया. नाउ बार आइकन के बाद आप देख सकते हो कि गाना आइकन का इमेज है, एंड देन गाना का एक दूसरा इमेज है. सो लेट मी ऐड दैट इमेज एज वेल. सो वो भी लिंक है. नाउ ये लिंक में लेट मी ऐड टू इमेजेस. आइकन्स, एक स्मॉल लोगो, एंड देन लेट मी ऐड द अनदर वन. वी कैन ऐड द अल्टरनेटिव टेक्स्ट. अल्टरनेटिव टेक्स्ट, दिस इज मेन्यू बार. यू आर यहां पे एडिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट. यहाँ पे मैं ले लेती हूँ दिस इज गाना लोगो. यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेती हूँ. लेट्स सेव दिस. नाउ ये फाइल को भी रन करके चेक करते हैं. सो मैंने ये ऐड करके रखा है gaana.com के फोल्डर में. सो लेट्स रन दिस. हाँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बार आइकन परफेक्टली आ रहा है, ये आइकन परफेक्टली आ रहा है, ऊपर लिंक्स भी बने हैं, बट साइजेस आर वेरी बिग. सो मैं हाइट और विड्थ से उसको एडजस्ट कर लेती हूँ. हाइट एंड विड्थ, सेम हाइट एंड विड्थ, बिकॉज ये सबके सब आइकन है. लेट मी सेव एंड नाउ लेट्स चेक. आप देख सकते हो प्रॉपरली बार आइकन एंड गाना आइकन इज कमिंग. ओके, आप ये जो है इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा सकते हो. सो नाउ दिस इज कमिंग परफेक्टली. नाउ आप देख सकते हो कि बार आइकन और गाना आइकन में यहां पे एक गैप है. वो गैप यहां पे बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा. सो इफ यू वांट टू गिव अ सिंगल स्पेस, एक स्पेस देने के लिए हम दे सकते हैं द सिंबॉल इज NBSP. आप चेक करो, यहां पे आपको एक सिंगल स्पेस दिखेगा. अगर आपको उससे ज्यादा स्पेसेस देने हैं, यू टाइप ENSP, ये दो स्पेसेस देंगे. अगर आपको चार स्पेस देने हैं, देन यू कैन गिव EMSP. तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार स्पेसेस आ रहे हैं. अगर आपको और चार स्पेस देने हैं, तो सेम वी कैन कॉपी. सो नाउ यू कैन सी परफेक्टली आई एम एबल टू एडजस्ट द बार आइकन एंड गाना आइकन विद द स्पेसेस. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी सर्च बार. सो लेट्स ऐड अ सर्च बार. सो सर्च बार ऐड करने के लिए आई एम एडिंग इनपुट. टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड, नेम इज इक्वल टू सर्च बार. आई कैन गिव द प्लेस होल्डर. एंटर योर सर्च टेक्स्ट हियर. इफ यू वॉन्ट टू गिव अ स्पेस इन बिटवीन,
गिव द स्पेसेस, लेट्स सेव एंड लेट्स चेक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्च बार इज कमिंग परफेक्टली। Now after the search bar, what do you want to add? You want to put two buttons, go ad free, get Gaana Plus. So let's add a two buttons. Button. And let me give the button go ad free. And let's add the another button. Get Gaana Plus. Do buttons ke beech mein bhi you can give the space. Let's check. I'm able to provide the two buttons properly. After that, I want to add some icons. So, main ye icons add kar deti hu. Ek hai language conversion icon, ek hai night mode icon, and then links, login and registration. So, let's go to our code. And now let's add more two icons. So, I'm adding a link. And on link, let me include the image. Icons may I'm adding the language icon. Change language. And similarly, I want to add for night mode, night mode, and after that I am adding two links. Login. Sign up. Let's save and check once. Icons are coming in a begin size, so you can adjust the same with the height and width. Let's check again. So now this is coming perfectly. Yes, you can again manage the gap as per your requirement. So this is perfectly coming now. If here you don't want to give more gaps, you can remove one gap. So this is how you can create a header. So you can see my header is ready. Yes, there are more CSS we can add, like how we can give some square for the input field, then how to create a proper button. So that we will do with the CSS. Once we will learn CSS, then we will again format this. Okay, ye gaps jo hum de rahe hai, wo bhi hum margin and padding se hatayenge. But right now, as you don't know those things, so hum ye simple way mein implement kar rahe. Correct? So now, mera header ready hai. Now after the header, I want to create this. So ye kya hai? Mera navigation bar. So navigation bar ko create karne ke liye, main ek alag tag lungi, jisse main separations karungi code ko. So nav ke liye, I will use nav tag. Now inside this nav tag, let's create all the links. So like this, I'm creating a link. Okay, now links ke titles de dete hai, all trending songs, new songs, old songs, like this is.
ऑल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, देन दिस कैटेगरी वी विल एड लेटर एल्बम, रेडियो, पॉडकास्ट एंड माई म्यूजिक. सो लेट्स एड फॉर एल्बम, रेडियो, देन पॉडकास्ट then my music. If you want to give a gap, you can use this slash symbol, standing line between all the links. Now if I save this, you can check the output. Sare links perfectly aa rahe hain yahan pe. Between this header and these links, if you want to give a gap, then this gap you can give using a break row. Let's save and let's check now. So now this is coming perfectly. Now आप यहां पे देख सकते हो कि ये links के बीच में एक drop down है. So अगर आपको ये drop down बनाना है, so we can use our select and option tags. So let's create a drop down after old song. So drop down ke liye I will use select tag. Now select tag mein I will give some option. So option number one let me give. Then inside that I will give the more options. So what options we want to give? Let's say party types of songs. So I'm just adding some 2-3 types. Party, dance, 90s, bhakti, likewise. So मैंने अलग अलग songs के लिए यहाँ पे drop down add किया है. Now let's save this and check the output. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में मैंने एक drop down भी add कर लिया है. So perfectly my navigation links are coming and बीच में मैंने एक drop down menu भी add कर दिया है. Is that clear? Now after that क्या है? Let's add the banners. So ये banners add करने के लिए मैं simply एक tag ले लेती हूँ separation के लिए. Div एक division बना रही हूँ. So now ये div में मैं banners के images add करती हूँ. Now between this, for giving a gap, मैं एक break row ले लेती हूँ और यहाँ पे बैनर बनाने के लिए आई विल यूज अगेन इमेज टैग. लेट मी इंक्लूड द सोर्स और सोर्स में मैं कुछ इमेज ले लेती हूं जो ऑलरेडी मैंने बैनर के फोल्डर्स में ऐड करके रखे. लेट्स से हाइट ले लेती हूं 300, विड्थ ले लेती हूं 550. सिमिलरली दूसरा एक बैनर ऐड कर लेती हूं. इसका भी हाइट ले लेती हूँ 300, विड्थ ले लेती हूँ 550. लेट्स सेव दिस एंड चेक बैनर्स कैसे आ रहे हैं. सो बोथ द बैनर्स आर कमिंग परफेक्टली. इफ यू वांट टू ऐड मोर बैनर्स, सो अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड विड्थ यू कैन एडजस्ट देम. ओके, सो मेरे बैनर्स प्रॉपरली आ रहे हैं यहाँ पे. नाउ आफ्टर दिस बैनर्स मुझे कुछ ऐड करना है. समथिंग लाइक दिस, ट्रेंडिंग सॉन्ग का हेडिंग देना है और मुझे कुछ इमेजेस लिंक्स के बना के देने हैं और वो लिंक्स पे क्लिक करने पर आई विल ओपन द सॉन्ग्स. सो उसके लिए कैसे ऐड करेंगे? लाइक आप देख सकते हो कि एक इमेज है और नीचे टाइटल है, इमेज है और टाइटल है. सो अब जस्ट अज्यूम करो इसको कि ये टेबल है.
ये पहला रो है और उसके कॉलम में एक एक इमेज है, ये दूसरा रो है और उसके कॉलम में एक एक टाइटल है। सो अगर इसको बनाना है देन कैसे बनाएंगे? सो लेट्स क्रिएट अ थर्ड डिव। नाउ ये डिव में पहले मैं एक हेडिंग दे देती हूं कि दिस आर माय ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल। एक सिंपल टेबल बना लेती हूं जिसमें डायरेक्टली टी बॉडी कंटेंट ही दे रही हूं क्योंकि मुझे टाइटल्स नहीं देने, हेडिंग नहीं देने हैं। नाउ टी बॉडी में मैं एक रो बनाती हूं। पहली रो में पहले कॉलम में फर्स्ट इमेज और वो भी लिंक के साथ। सो ए एच रेफ लिंक और ये लिंक पे मैं इंक्लूड करूंगी इमेज, इमेज सोर्स जैसे कि ट्रेंडिंग में फर्स्ट सॉन्ग। ओके नाउ सिमिलरली लेट मी क्रिएट ऑल सिक्स कॉलम्स। सॉन्ग नंबर टू, सॉन्ग नंबर थ्री, सॉन्ग नंबर फोर, सॉन्ग नंबर फाइव, सॉन्ग सिक्स। आप अलग अलग नेम भी दे सकते हो। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग किए हैं इमेज पे। सो अगर आप इसको सेव करके चेक करोगे सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सारे इमेजेस प्रॉपर टेबुलर स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं। अब देखो एक रो के सारे कॉलम्स बन गए और सारे इमेजेस परफेक्टली आ रहे। नाउ सेकंड रो में अगर आपको टाइटल देने हैं सो एक रो बना लो। नाउ ये रो में मैं कॉलम ले लेती हूं और अगेन ये कॉलम में मैं उसका टाइटल दे देती हूँ। सो टाइटल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है लेट्स चेक द अदर टाइटल्स। नाउ फॉर सेविंग द टाइम आई एम यूजिंग द सेम टाइटल्स अगेन। यू कैन गिव द डिफरेंट टाइटल्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग द एक्चुअल वेबसाइट। नाउ लेट मी सेव दिस एंड लेट्स चेक। आप देख सकते हो प्रॉपरली इमेज के नीचे उसके टाइटल्स अलाइन हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज मैंने टेबल यूज किया। सो प्रॉपर कॉलम के नीचे कॉलम, कॉलम के नीचे कॉलम एडजस्ट हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द सेम थिंग फॉर द अदर सॉन्ग्स जैसे कि न्यू रिलीज। सो मैं क्या कर रही हूँ, ये सेम डीव जो मैंने ट्रेंडिंग सॉन्ग के लिए लिया वैसा सेम डीव मैं बना लेती हूँ न्यू रिलीजेस के लिए। नाउ ये न्यू रिलीजेस के लिए इमेजेस अवेलेबल है न्यू रिलीजेस में। लेट मी टेक दिस। सारे सॉन्ग्स की नंबर्स चेंज कर लेती हूं मैं। लेट्स से टाइटल्स सेम ही है न्यू रिलीज में भी। इसको मैं सेव करती हूं, यहां पे आप चेक कर सकते हो। नाउ परफेक्टली कमिंग न्यू रिलीजेस एंड ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स व्हेन यू यूज द टेबुलर स्ट्रक्चर। प्रॉपरली अलाइन हो रहा है कंटेंट। ओके सो मैंने मेरे कंटेंट्स भी ऐड कर लिए। आप देख सकते हो हेडर प्रॉपरली आ रहा है, नेविगेशन आ गया, देन एक डिव हो गया जिसमें बैनर्स ऐड कर दिए हैं, एक सेपरेट डिव हो गया जिसमें ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ गए, सेपरेट डिव हो गया जिसमें न्यू रिलीजेस आ गए। नाउ लास्ट एक डिव बनाना है वो है फुटर। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ फुटर। सो फुटर के लिए मैं ऐड करूंगी टैग फुटर। सो फुटर टैग में क्या क्या ऐड करना है लेट्स गो टू द ओरिजिनल वेबसाइट।
हम कोई टैगलाइन देनी है जो सेंटर में अलाइन करनी है। सो सेंटर के लिए मैं क्या करती हूँ, हेडिंग टैग ले लेती हूँ। ये मेरा टैगलाइन है, राइट नाउ आई एम यूजिंग अ एट्रीब्यूट जो HTML5 में डेप्रिकेटेड है। जब हम CSS लर्न करेंगे सो हम स्टाइलिंग से ही उसको सेंटर में अलाइन करेंगे, बट राइट नाउ फॉर टेम्पररी पर्पज आई एम यूजिंग द ओल्ड एट्रीब्यूट विच इज अवेलेबल विथ H1, जिसको बोलेंगे अलाइन, जो रेड कलर में आ रहा है बिकॉज वो डेप्रिकेटेड है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटर, सो ये कंटेंट सेंटर में अलाइन हो जाएगा, बस बजना चाहिए गाना। उसके बाद मैं एक हेडिंग ले लेती हूँ जैसे कि H4 या आई कैन से H5। नाउ इसके बीच में जो कंटेंट ऐड करना है, लेट्स से दिस, नाउ यहां से अगर गैप देना है तो आप एक ब्रेक रो दे दो, और ये हेडिंग को भी वी कैन अलाइन इन सेंटर। लेट्स सेव दिस। सो आप यहां पे चेक कर सकते हो टैगलाइन और उसका जो पैराग्राफ है वो दोनों सेंटर में अलाइन हो गया। ओके नाउ आप यहां पे अगर चेक करोगे तो एक लाइन आ रही है, अगर वो लाइन देनी है सो उसके लिए एक टैग है दैट इज कॉल्ड HR टैग, हॉरिजॉन्टल रो। मैं एक ब्रेक करती हूँ रो और उसके बाद मैं एक लाइन देती हूँ दैट इज HR। सो HR से वी कैन गिव अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके आफ्टर दैट मुझे ऐड करने हैं आइकन्स। सो ए HRF, नाउ ये लिंक मुझे ओपन करना है ब्लैंक मींस सेपरेट टैब में, इसीलिए मैंने ऐड किया टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। आफ्टर दैट मैं यहां पे इमेज इंक्लूड करूंगी और ये इमेज में आई एम एडिंग लेट्स से FB आइकन। सिमिलरली लेट्स एड ट्विटर आइकन, लेट्स सेव दिस एंड चेक। आप देख सकते हो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, उसके नीचे दो आइकन्स ऐड हुए हैं। नाउ ये आइकन के नीचे भी अगर आपको लाइन देना है देन यू कैन अगेन गिव हॉरिजॉन्टल रो, एक रो ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कर लो एंड यू कैन सी दिस इज कमिंग परफेक्टली। नाउ नाउ आफ्टर दिस अगेन एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग लिंक्स है, एडवर्टाइज ऑन गाना.com, टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, पार्टनर्स, साइट मैप्स, फेक। सो अगर ये लिंक्स ऐड करने हैं सो सेपरेशंस में हम अगेन दो रो ब्रेक करते हैं एंड आफ्टर दैट आई वांट टू ऐड द काइंड ऑफ नेविगेशन ओनली। सो सिमिलर काइंड ऑफ दिस नेविगेशन मैंने जो यहां पे यूज किया है मैं यहां पे भी यूज कर लेती हूं। आई डोंट वॉन्ट दिस ड्रॉप डाउन हियर, सो नाउ लेट्स से आई एम एडिंग लाइक पार्टनर्स एडवर्टाइजमेंट ऑन गाना, आई एम एडिंग प्राइवेसी पॉलिसी, देन आई एम एडिंग साइट मैप, देन
I'm adding frequently asked the questions, fake, and what is missing? Terms of use. So सारे links मैंने add कर लिए हैं. After these links also, I will give the breaks. And then we'll give one horizontal line. So let's save this and let's check the output again. So आप देख सकते हो सारे links properly आ रहे हैं between two lines. Break row अगर ज्यादा gap दे रहा है then you can put one break row. So that will give you the proper output. Now below these links last में हमको add करना है which is something interesting. Quick links. Now ये links देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे album है, gents है, means categories, artist हो गए, new releases हो गए. So ये सारे अगर आप ध्यान से देखोगे तो it will looks like a tabular structure. So now ये table को we can put it inside a tabular structure. So let's create a table. So now after this, I can give a heading, quick links, and below that I can add a table. Now ये table में मुझे एक row है जिसमें titles देने हैं. So this I can take it as a T head. T head में I am creating a row. Now ये row में I am adding the headings. TH. So let's add album then category then artist and last May let's check new releases. Now after this, let's create a body. Body में I'm giving a TR. First column. Now ये column में I will add a link. Now on this link, I want to add a text. So what was that? Let's say English. Bollywood songs, then Arijit Singh, then English song. So this is become English. Now let's create other. Let's say English songs. Now similarly, I'm creating one more row. Hindi new songs. Let's say the artist name I'm giving. Neha Kakkar. Hindi songs. Let me Telugu dance songs. Let's say the artist name is and here I am adding in the new release. Let's add some Punjabi songs. So आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अलग अलग कंटेंट ऐड किया है. नाउ लेट्स चेक आउटपुट में कैसे दिख रहा है ये. सो एक प्रॉपर टेबल दिख रहा है क्विक लिंक्स का. उसमें हेडिंग्स दिख रहे हैं एल्बम जेंस आर्टिस्ट न्यू रिलीजेस और उसमें अलग अलग लिंक्स बनाए हैं. सो वो सारे लिंक्स पे क्लिक करके भी आप पर्टिकुलर प्लेलिस्ट या पर्टिकुलर सॉन्ग को ओपन कर सकते हो. सो सिमिलरली यू कैन एड मोर सॉन्ग्स एज वेल. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुली हाउ आई हैव एडेड हेडर
then I have added the navigation, then I have added the banners, then some content. To separate the content, I have used division tags. लास्ट में मैंने फुटर ऐड किया. फुटर में भी आप देख सकते हो, सेंटर में टाइटल देने के लिए हेडिंग यूज किए, देन इमेजेस इंक्लूड किए, उसको सेपरेशन के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज किए हैं, देन कुछ लिंक्स यूज किए हैं, अगेन लास्ट में जो क्विक लिंक्स बनाए, सो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन, सॉरी आई कैन से दैट टेबल यूज किया है. नाउ ये टेबल में भी प्रॉपर मार्जिन पैडिंग्स हम दे सकते हैं, उसमें गैप्स दे सकते हैं, उसको प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं. सो दैट वी विल डू व्हेन वी विल क्रिएट विद द सीएसएस. सो जब हम सीएसएस समझेंगे, इसको हम और प्रॉपर डिजाइन करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, कोई टाइटल्स है उसको हमको लेफ्ट में अलाइन करना है या राइट में अलाइन करना है या सेंटर्स में अलाइन करना है. सो दैट वी विल डू विद द सीएसएस. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अवर होम पेज ऑफ gaana.com. सो आई होप गाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेम. अगर ये इमेजेस आपको यूज करने हैं, सो इसके डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड द गिटहब लिंक, जहां पे मैंने सारे फोल्डर्स वाइज इमेजेस ऐड किए हुए. सो उधर से आप डाउनलोड करके यू कैन क्रिएट अ सिमिलर काइंड ऑफ वेब पेज. ओके, और ये होम पेज बना के आप ब्राउजर में रन करके उसको चेक कर सकते हो, आप भी ऐसा सेम आउटपुट गेट करोगे. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट गाइज, डू कमेंट अस, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो. थैंक यू एवरीवन.